के डेट में महिलाओं के साथ इतना जुर्म हो रहा है। तो आप बताएं, खाने में आपको आलू पराठा अच्छा लगता है या प्याज पराठा? कहाँ थे और कहाँ आ गए? मेरे पापा, जिसे कि मैं बहुत मानती थी और बहुत मुझे प्यार भी करते थे, वो अचानक से हमारे बीच से चले गए। और जिनका सिलेक्शन अब हुआ है, हम उनको बधाई देते हैं। दोस्तों, जिंदगी लेन देन से चलती है। अगर आप किसी से मीठा बोलेंगे तो मीठा सुनेंगे, कड़वा बोलेंगे कड़वा सुनेंगे, रेस्पेक्ट देंगे तो सम्मान मिलेगा, प्यार करेंगे तो प्यार मिलेगा। तो कब से ये काम हम शुरू करें? जरूरी नहीं है कि प्यार के बदले प्यार ही मिले, मार भी मिलती है। क्यों, ऐसा क्यों? ठीक नहीं, पर हम ये चाहते हैं कि यहाँ हमें वो चीज़ें मिले, प्यार के बदले प्यार मिले। ये हमारे आपस की जो बातें हैं वो छोड़ दें। प्यार के बदले प्यार इस वजह से क्योंकि हम अपने शो में उन महिलाओं को पहचान दिलाते हैं, उन महिलाओं को वो मौका देते हैं, वो प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे वो अपने आप को साबित कर सकें, जहाँ आप देखते हैं कि हिंदुस्तान की बेटियों ने हर क्षेत्र में अपने आप को साबित किया है। एक मंच ये भी है जहाँ पे वो अपनी एक पहचान बना सकती हैं और अपने आप को साबित कर सकती हैं। और इसके बदले हमें आपसे बस प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, और ये मोहब्बत लगातार मिल रही है। इसके लिए हम आपके बेहद आभारी हैं और एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके चहेते शो पे, जिसका नाम है बिग मेम साहब सीजन 3, को स्पॉन्सर्ड बाय ब्रुकबॉर्न ताजा गोल्ड एंड पावर्ड बाय डाबर दशमुला रिस्क। एंड हमारे एसोसिएट स्पॉन्सर हैं बोरोप्लस। तो आज चार कंटेस्टेंट मेम साहब जो होंगे उनसे मैं मुलाकात करा दूं, आपकी भी, प्रीति की भी, क्योंकि मैं तो पहले से मिल चुका हूं, उनके घर भी गया था मैं। बहुत सारे तालियों में स्वागत करते हैं। हमारे दाहिने तरफ हैं मिस इंदु गुप्ता जी। इंदु गुप्ता जी के बाजू में हैं जानी पहचानी पुष्पा जी। जानी पहचानी पुष्पा जी। और उनके ठीक सामने ललिता गुप्ता जी। और उनके बाजू में है मिसेज नीति देवी जी। चलिए चारों लोग इनके शुभकामनाएं देते हुए खेला जाओ आज का पहला राउंड, जेकी बा मेम साहब मैजिक। मेम साहब मैजिक में रहो लोग इनके अपन स्वतंत्र रूप से जे भी टैलेंट दिखावे की इच्छा बा स्टेज पर रहुआ दिखा सकता नहीं। आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस। अगर आप गाना, डांस, एक्टिंग, सिंगिंग, मिमिक्री या फिर गाना डांस दोनों, ये भी इच्छा बा। बड़ा आसान राउंड है। बड़ा आसान राउंड, बिल्कुल एकदम फ्री है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर बटोर सके। सबसे पहले मेन साहब मैजिक में मौका दे रहा हूं हम पुष्पा जी के, उनका गीत सुनल जाओ। पुष्पा जी रहुआ मैं आई माँ तेरी पूजन को, मेरे भाग्य सौभाग्य अमर रखेना। मैं आई माँ तेरी पूजन को, मेरे भाग्य सौभाग्य अमर रखेना। मेरी मांगों में सिंदूर चमकती रहे, मेरी मांगों में सिंदूर चमकती रहे। मैया तुझे से ये वरदान मिले, मैया आई माँ तेरी पूजन को, मेरे भाग्य सौभाग्य अमर रखेना। मैं आई माँ तेरी पूजन को, मेरे भाग्य सौभाग्य अमर रखेना। धन्यवाद पुष्पा जी। देखते हैं प्रीति और मैंने आपको कितने नंबर दिए हैं। अब एक गीत की बारी है और गीतमाला में अगली पेशकश होगी नीति जी की। बहुत सारी तालियों में हम इनका स्वागत करते हैं। तीन दिनों से लीला तुम्हारी, उन्हीं तीनों से फुकाली मेली। तीन दिनों से लीला तुम्हारी, उन्हीं तीनों से फुकाली मेली। लुटी अखियां सुपाले, सुनते हैं मन मोले, सुनते हैं मन मोले। आए हो तुम युकां के बात प्याले। थैंक यू, थैंक यू मैम। एकदम एक मासूम बच्ची जैसा रहुआ परफॉर्म करनी है। हाँ। अगली कंटेस्टेंट होंगी, एक एक पॉइंट सुनते हैं। हाँ। अभी दो गाने के बाद अब आपसे कभी तो सुनिए। एक लड़की ससुराल चली, कल की लड़की आज बहू बन गई।
मौत से रहती लड़की आज ससुराल की जरूरत बन गई। कल तक थी बहता पानी, आज ससुराल में नीर बन गई। ड्रेस जींस पहनने वाली लड़की आज ससुराल में साड़ी पहनना सीख गई। मजे से पैसे खर्च करने वाली लड़की आज साग सब्जी का भाव करना सीख गई। स्कूटी चलाने वाली लड़की आज ससुराल में रहना सीख गई। ये हमारा राउंड क्या है, मेम साहब मैजिक, और मुझे नहीं लगता कि अभी तक कुछ मैजिक जैसा कुछ लगा अभी है। मेरे को उम्मीद है कि अगली परफॉर्मेंस में मैजिक देख पाएंगे, और अगली परफॉर्मेंस होगी ललिता जी आपकी। उत्तराखंड के खंडे खंडे कर दीह लगंगा माई, भोला दानी दया करी जटा फैलाई। कुपीते हो के माई कैला विनाश हो, कुपीते हो के माई कैला विनाश हो। अब कोई जाए कहाँ लगावे खातिरास हो। माना कोई बात बाटे दुनिया ये लोभी, लोभ के चक्कर में लोग यहीं पर भोगी। दुनिया अज्ञानी बाबा रउआ सर्वज्ञानी, गलती के क्षमा करी बात रउआ मानी। करंट टॉपिक के ऊपर मैंने गीत को गाया रखा पोएम को, और मैं भी चाहूँगा कि मैं और प्रीति अपने चैनल के माध्यम से जो भी उत्तराखंड के बाढ़ पीड़ित लोग हैं जिनके घर परिवार उजड़ गए, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें इतनी हिम्मत दे कि वापस वो उठ खड़े हों और ज़िंदगी को सुचारू रूप से अपनी जी सकें और उत्तराखंड को वापस से बसा सकें। तो इस मैसेज के बाद अब बारी है स्कोर्स की। तो मैम साहब रेडी हैं आप अपने स्कोर्स जाने के लिए? सबसे पहले पुष्पा जी, रहुआ 10 में से 7 मिलल बा। इंदु जी आपको 5 अंक मिले हैं, और ललिता जी आपको 10 में से 8 अंक मिले हैं, नीतू जी को मिले हैं 5 अंक। अपने लिए तालियां बजाएं और बजाते रहें, क्योंकि हम छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, और ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको यही ऊर्जा और यही एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो लेते हैं एक छोटा सा नन्हा सा ब्रेक। लेकिन संजय जी की स्पीड बड़ी अच्छी है, वैसे भी नेता लोग खाने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं।